Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the NSAIDs. हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट ऑटोकॉइड्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन जो है वो पढ़ लिए हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. एक्चुअली NSAID हमने पहले भी ANS के अंदर भी इसका CNS के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था. एनाल्जेसिक्स वगैरह में अपन ने इसको पढ़ा था, तो वो वाला टॉपिक भी आप इसके साथ में जोड़ करके लिख सकते हैं. वैसे तो वहाँ NSAID हो गया था पूरा अपना, पर फिर भी अपन इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ लें क्योंकि इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आता है. तो NSAIDs वो ड्रग्स होती हैं जो नाम से पता चल रहा है कि एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है. तो इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर को ये हमारी बॉडी में रिड्यूस करती है. क्यों? क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिंस और उससे जुड़े हुए कंपाउंड्स के सिंथेसिस को रोक देती है. प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि ये एक केमिकल कंपाउंड है 20 अमाइनो एसिड्स का, अगर आपको याद है, 20 कार्बन का एक अमाइनो एसिड है जो कि क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है इन्फ्लामेशन फीवर के दौरान, और ये स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे यूट्रस की स्मूथ मसल्स का प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान. तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी. तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और उससे जुड़े हुए कंपाउंड्स के सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर जैसी चीज़ें जो है वो रिड्यूस हो जाती है. उनको रिड्यूस करने वाली ड्रग्स को अपन NSAIDs कहते हैं. NSAIDs साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2, या तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को रोकेगा या 2 को रोकेगा, या दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है. NSAIDs के 3 मेजर एक्शंस है, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी. एनाल्जेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था CNS वाले टॉपिक के अंदर. उसके अलावा एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी इसका होता है. तीनों चीज़ें याद कर लीजिए, ठीक है. फिर इसका यूज़, क्योंकि ये 3 इसके एक्शंस हैं, तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे भाई, जहाँ कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, जहाँ कहीं भी पेन हो रहा हो या फिर बुखार चढ़ा हो, तो हम ले सकते हैं. तो पेन सर्जरी के बाद हो रहा है तब भी हम NSAIDs ले सकते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर भी ले सकते हैं. मसल्स या न्यूरॉन्स का कोई पेन हो रहा हो, सर दर्द, कमर दर्द हो रहा हो, बुखार चढ़ रहे हो, यानी पैराक्सिया हुआ हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस OA की डिसऑर्डर के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA में, और एंटी प्लेटलेट फंक्शन के लिए भी जो है अपन इसका यूज़ करते हैं. ये NSAID के अंदर आइब्यूप्रोफेन पैरास्टामोल टैबलेट्स के बारे में बताया गया, आइब्यूपैरा टैबलेट्स के बारे में. अब इसके अंदर ये कैसे फंक्शन कर रहा है, तो इस चीज़ को बताऊं मैं, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि NSAID का क्लासिफिकेशन मैं बता देती हूँ. NSAIDs आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर. सेकंड वाज प्रेफरेंशियल साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 इनहिबिटर्स. थर्ड, हाईली सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स. एंड फोर्थ, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस स्लाइड में बोला ना कि इसका मेन फंक्शन क्या है, NSAID जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को या साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को या दोनों एंजाइम को इनहिबिट कर देता है. साइक्लोऑक्सीजिनेज को ही हम कॉक्स कहते हैं, तो कॉक्स 1 को या तो इनहिबिट करेगा या कॉक्स 2 को या दोनों को इनहिबिट करता है. उसी के बेसिस पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बोल के बताया कि फर्स्ट है कॉक्स इनहिबिटर, जिसके अंदर सैलिसाइलेट्स आता है. सबसे पहला सैलिसाइलेट का एग्जांपल है एस्पिरिन. सेकंड वन इज़ प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसका एग्जांपल है आइब्यूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, फ्लूरोबीप्रोफेन. थर्ड, एस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें कीटोरोलैक आता है और इंडोमिथासिन आता है. फोर्थ, फिनामिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें मेफिनामिक एसिड आता है. और फिफ्थ है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें पायरोक्सिक कैम और टिनोक्सिक कैम आती हैं. ये तो कॉक्स इनहिबिटर है. दूसरा, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में डाइक्लोफिनिक, एक्लोफिनिक, निमिसुलाइड और मिलोक्सिक कैम आता है. थर्ड है हाईली सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, जिसमें एट्रोक्सिकॉक्सिब आता है, पेरिकॉक्सिब और ल्यूमिराकॉक्सिब आती हैं. और फोर्थ जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, दैट इज़ एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, जिसके अंदर पैरासिटामोल और नीफोपैम आती हैं.
तो ये जो डायग्राम है ये साइक्लोऑक्सीजिनेज की दो फॉर्म्स को बता रहा है, कॉक्स वन और कॉक्स टू को। कॉक्स वन जो है वो नॉर्मल सेल और टिश्यूज़ के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है और बॉडी में होम्योस्टासिस को मेंटेन करती हैं, जबकि कॉक्स टू जो है वो इन्फ्लेम्ड सेल्स जिसमें इन्फ्लामेशन हुआ है जिस सेल के अंदर, वहाँ से इंड्यूस हो रही है और ये इन्फ्लामेशन को ही मीडिएट करती है, ऐसा इसके अंदर दिखाया गया है। आप डायग्राम को देखिए कि भाई कोई सेल इंजरी हुई, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बारे में बताया गया, सेल इंजरी हुई तो सेल मेम्ब्रेन देखो डैमेज हो गई है, जिससे कि ये फॉस्फोलाइपेज के द्वारा रेकेडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है, साइक्लोऑक्सीजिनेज इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कन्वर्ट कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन से फिर आगे का फंक्शन दिखाया गया है कि क्या क्या चल रहा है, अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, इन्फ्लामेशन वगैरह वो कॉज करेंगे। तो इसी डायग्राम को यहाँ पर आप देखिए कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोलाइपेज टू के A2 के द्वारा एराकिडोनिक एसिड बन रहा है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 के द्वारा, फिर इस प्रोस्टाग्लैंडिन G2 को कॉक्स 1 या कॉक्स 2 जो है वो PGH2 में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर यहाँ पर अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन हो, जैसे PGI2 गैस्ट्रिक म्यूकोसा, प्लेटलेट्स और एंडोथीलियम पर एक्ट करेगा, PGD सिंथेस के द्वारा PGD2 बनेगा, फिर PGE के द्वारा आइसोमेरेस द्वारा PGE2 बनेगा, वो भी गैस्ट्रिक म्यूकोस में, किडनी में, पेरिफेरल नोसिसेप्टर के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स में एक्ट कर रहा है। तो कौन कौन कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है वो इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस पेन कॉज करता है, पेन एनहांसेस पेन इंड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ ब्रैडीकाइनिन, ब्रैडीकाइनिन के इफेक्ट को इंड्यूस के द्वारा पेन को ये बढ़ा देता है और फीवर को ये इंड्यूस करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन है। इसके अलावा थ्रोम्बोक्सेन्स, यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर थ्रोम्बोक्सेन के बारे में इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर देखो आपको इस डायग्राम में यहाँ नीचे फर्स्ट थ्रोम्बोक्सेन बताया गया ना, ये थ्रोम्बोक्सेन है, यहाँ ये PGE बताया गया और यहाँ पे ल्यूकोट्राइन बताया गया है। तो थ्रोम्बोक्सेन का फंक्शन क्या है, ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और इन्फ्लामेटरी सेल्स के फंक्शन को ये बढ़ा देता है। फिर हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, टिश्यू में कंजेशन और स्वेलिंग करता है, कंजेशन होता है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना, कंजेशन याद कर लीजिए, वो कंजेशन आप सिकुड़ने से मत अंदाज़ा लगाइए, कंजेशन का मतलब होता है ब्लड फ्लो बढ़ जाना या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना। तो कंजेशन और स्वेलिंग टिश्यू में ये कॉज करवाएगा, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इसे छींक आने लग जाती है, आँखों में पानी निकलने लग जाता है, खुजली आने लग जाती है, प्रेशर और पेन ये बॉडी में कॉज करवाता है हिस्टामिन, और लास्ट ल्यूकोट्राइन्स जो वेसल्स की परमियबिलिटी को बढ़ाता है, लीकीनेस कॉज करता है, क्योंकि जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ेगी तो वो लीक करने लग जाती हैं ब्लड वेसल, उसमें से फ्लूइड सेल्स वगैरह बाहर निकलने लग जाती है, ये ल्यूकोट्राइन का फंक्शन है। और फिर ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी स्टिम्युलेट करता है थ्रोम्बोक्सेन की तरह। अब पेन और फीवर जो इन्फ्लामेशन के दौरान हो रहा होता है, तो पेन में PGE2 का रोल है, ये सेंसिटाइज कर देता है नर्व टर्मिनल को ब्रैडीकाइनिन के द्वारा, ब्रैडीकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और दूसरे लोकल मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ होने लग जाते हैं उस इन्फ्लेम्ड टिश्यू से और वो पेन कॉज कर रहे होते हैं। फीवर में पायरोजन का रोल होता है, पायरोजन वो केमिकल्स होते हैं जो पायरेक्सिया कॉज करेंगे, फीवर को कॉज करेंगे, पायरोजन, साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन, केमिकल मीडिएटर्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं इन्फ्लामेशन के दौरान या इन्फेक्शन के दौरान या कोई डिजीज की कंडीशन है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा, स्टिमुलेट होगा हाइपोथैलेमस में और टेम्परेचर सेटअप पॉइंट जो है वो हमारी बॉडी में रेज हो जाएगा, तो जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इनहिबिट हो जाते हैं, ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की हम बात कर रहे हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, थ्रोम्बोक्सेन, ल्यूकोट्राइन, ये मीडिएटर्स अगर वहाँ रिलीज नहीं होंगे तो ये एक्शन अपने को नहीं दिखाई देंगे। तो एनाल्जेसिक पेन में आराम मिल जाएगा, एंटीपायरेटिक बुखार ठीक हो जाएगी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। तो इन मीडिएटर्स को अगर हम इनहिबिट कर दें तो इन कंडीशंस को हम ठीक कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन ये एक्चुअली 5 कार्डिनल साइन होते हैं, यहाँ 4 बताए हुए हैं क्योंकि 4 हमारे को कॉमनली देखने को मिलते हैं, वरना 5 कार्डिनल साइंस होते हैं।
रूबर यानी रेडनेस, ट्यूमर यानी स्वेलिंग जिसमें पफिनेस और एडिमा भी हो सकता है, कैलोर यानी हीट, डॉलर यानी पेन। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिल रहा होता है, 5 साइन है। तो ये नाम याद कर लीजिए, पैथोलॉजी में भी आपके काम आएंगे। अब इन्फ्लामेशन बॉडी का वो रिस्पॉन्स है जो किसी इंजूरियस स्टिमुलस के प्रति आपकी बॉडी दिखाती है। कहीं पर भी कोई इंजूरियस स्टिमुलेशन आपकी बॉडी को मिला तो आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स दिखाएगी वो इन्फ्लामेशन होता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जिसमें इम्यून सेल्स और केमिकल मीडिएटर्स का रोल होता है और ये साइन उसमें दिखाई देते हैं। अब मैंने जो आपको कैटेगरी बताई थी भाई, 4 कैटेगरी, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, हाईली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट में से हम सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं भाई, मैंने नाम पहले भी बोला था, वापस से बोल देती हूँ। सैलिसाइलेट में एस्पिरिन आती है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, फ्लर्बी प्रोफेन आती हैं। थर्ड एस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर किटोरोलिक और इंडोमिथासिन आती हैं। फोर्थ फेनामिक एसिड डेरिवेटिव में मेफेनामिक एसिड आती है और इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पायरोक्सिकैम और टिनोक्सिकैम मेडिसिंस आती हैं। प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स के अंदर निमोसुलाइड, मिलोक्सिकैम, इटोडोलिक, डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक मेडिसन्स आती हैं। सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स में सेलेकॉक्सिब्स, इटोरिक कॉक्सिब और पैरिकॉक्सिब आती है। लास्ट एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी पैरास्टामोल, जिसको अपन एस्टामिनोफेन भी कहते हैं, और मिटामिजोल और निफोपाम आती हैं ड्रग्स। अब इसके बाद अपन इनका अलग से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ें, उससे पहले एक साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता देती हूँ इनका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में साइक्लोऑक्सीजिनेज एक एंजाइम है जो कि हमारे अंदर बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 वेल रिकॉग्नाइज आइसोफॉर्म्स इसकी कॉक्स की हैं, COX-1 और COX-2, जो कि हमारे मोस्ट टिश्यूज़ के अंदर पाई जा रही होती है, जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक, किडनी में तो आती हैं COX-1, जबकि COX-2 जो है वो इंड्यूस होती है हमारे इन्फ्लामेशन के दौरान। ऐसे COX-2 हमारे अंदर नहीं पाई जाती, इन्फ्लामेशन के दौरान ये बनती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोस्टेनॉइड मीडिएटर्स जो इन्फ्लामेशन के होते हैं, प्रोस्टेनॉइड इन्फ्लेमेशन उनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब एस्पिरिन और अधिकतर जो NSAIDs होती हैं ये COX-1 और COX-2 दोनों फॉर्म्स को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, थ्रोम्बोक्सेन का सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाता है, जैसा कि हमने इस स्लाइड में पढ़ा था। स्टार्टिंग स्लाइड वापस से देखिए, इस स्लाइड के अंदर पढ़ा था, यहाँ पर देखो स्लाइड में NSAID का के ऊपर माइनस दिया हुआ, यानी ये रुक जाएंगी तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो नहीं बनेंगे। TXA2 थ्रोम्बोक्सेन के लिए बताई गई हैं। तो क्या होता है कि एस्पिरिन और जो मोस्टली NSAIDs होती हैं COX-1 और COX-2 फॉर्म्स को इनहिबिट करती है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, थ्रोम्बोक्सेन का सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाता है और ये अपना एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाती हैं NSAID का, क्योंकि ये COX-2 का मेनली इनहिबिशन कर देती हैं। एस्पिरिन जो होती है वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन कर रही है कॉक्स एक्टिविटी का, और बाकी जो हैं वो एंजाइम्स कॉज रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। बाकी NSAIDs जो हैं वो एंजाइम का इनहिबिशन कर रही है, पर किस तरह का, रिवर्सिबल टाइप का, जिसको अपन वापस से ठीक कर सकते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वगैरह अपन देखते हैं NSAIDs और एस्पिरिन का। तो एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है इनका, एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट यानी एंटी थ्रोम्बोटिक जिसको बोल सकते हैं ये इफेक्ट होता है, एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में रोल होता है, CVS, यूरिट एक्सक्रीशन, GIT वगैरह में इसका रोल है। ये 8 जगहों पर इसका रोल है, नाम वापस से सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एनाल्जेसिक इफेक्ट किसका पढ़ रहे हैं अपन, एस्पिरिन और दूसरे नेसिड्स का, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैं आपको बता रही हूँ। एस्पिरिन और NSAIDs जैसे एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, CVS, यूरेट एक्सक्रीशन एंड GIT के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एस्पिरिन जो है वो नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर है कॉक्स एंजाइम की, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को सप्रेस कर देती है, यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब इंडिकेशन, ये माइल्ड से मॉडरेट पेन में दी जा सकती है, जैसे हेडेक में, बैकएक में,
कमर दर्द हो, सर दर्द हो, जॉइंट्स में पेन हो, दांतों में दर्द हो, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, डिसमेनोरिया होता है, तो इन केसेस में एस्पिरिन की 600 mg दे सकते हैं, कोडीन की 60 mg, मॉर्फिन 6 mg। ये सारी एक्चुअली मेन तो एस्पिरिन ही हैं, बाकी उसकी अलग अलग ब्रांड्स हैं। इसके अलावा फीवर में ये एंटीपायरेटिक एक्शन रखती हैं, तो फीवर में दे सकते हो। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, तो इसलिए रूमेटिक फीवर किसी को हुआ हो, आरए या ओए किसी को हुआ हो, तब भी अपन एस्पिरिन दे सकते हैं। एंटी प्लेटलेट एजेंट के रूप में दे सकते हैं, अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ हुई हो। इसमें एथेरोस्क्लेरोटिक में क्या हो जाता है, इंटीमल प्लाक बन जाता है आर्टरी के अंदर, ये डिजीज़ अपन डिटेल में पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में आप दे सकते हो ऑपरेशन के बाद, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI, किसी को हार्ट अटैक की कंडीशन हुई है, पोस्ट स्ट्रोक के पेशेंट्स, स्ट्रोक के बाद, स्ट्रोक की कंडीशन के बाद पेशेंट्स को आप ये दे सकते हो। जो एस्पिरिन है वो हमेशा स्मॉल डोज में प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि हार्ट अटैक के रिस्क इसमें ना रहे, क्योंकि ये प्रिवेंट्स क्लॉटिंग एक्शन ऑफ प्लेटलेट के क्लॉटिंग एक्शन को रोकती है, इसलिए इसको हमेशा अपन लो डोज में देते हैं। 300-600 mg TDS एनालिसिस की दी जाती है एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाने के लिए। और अगर अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या स्ट्रोक में दे रहे हैं तो 75-150 mg ODs इसकी दी जा रही होती है। अगर ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट के साथ MI या स्ट्रोक वगैरह है तो अपन इसकी डोज कम देते हैं। एस्पिरिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज कर देती है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी भी कॉज कर देती है, एलर्जिक रिएक्शन, सेलिसाइलिज्म है पर्सन में, डिजीनेस दिखाई देती है, कानों में घंटियां बजने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, हियरिंग और विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, पर रिवर्सिबल टाइप का है, मतलब जब तक आप लंबे समय तक अगर ले रहे हो तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा कम यानी ऊंचा सुनाई देगा, पर ये बाद में ठीक हो जाता है। पर्सन में एक्साइटमेंट भी देखने को मिलता है, मेंटल कन्फ्यूज़न भी रहने लगता है, हाइपर वेंटिलेशन भी इससे जुड़ी हुई कंडीशन है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लिवर में इंजरी हो जाती है इसकी वजह से, और एक्यूट सैलिसाइलेट की पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया भाई ये सैलिसाइलेट ही है, एस्पिरिन खुद क्या है, एक सैलिसाइलेट है, तो ऊपर वाली जो दिमागी प्रॉब्लम सैलिसाइलिज्म इसीलिए कहलाती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है, इसलिए पेप्टिक अल्सर अगर किसी पेशेंट को है तो उसको नहीं देना चाहिए, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एपिस्टाक्सिस वगैरह हो रहा है, नक्सी छूट रही है, गम्स में से ब्लड आ रहा है, तो नहीं देना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी को नेसेड से रहती है तो नहीं देनी चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी अपन ये दवाई नहीं देते। लिवर डिजीज़ किसी को है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में नहीं देनी चाहिए, चिकन पॉक्स हुआ हो तो नहीं देनी चाहिए। तो ये तो एस्पिरिन की खासियत। अब दूसरा पैरासिटामोल, जिसको अपन एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। पैरासिटामोल CNS में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देती है, क्योंकि ये ब्रेन में COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट करती है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में रुक जाता है, और टेम्परेचर सेटअप पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो अगर बुखार चढ़ी हुई है तो वापस कम हो जाएगी। इसके अलावा ये पेन थ्रेशोल्ड को भी बढ़ाता है, जिससे कि पेन कम हो जाता है। पर कॉक्स एंजाइम जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में होते हैं उसके ऊपर इसका लेस इफेक्ट होता है, जिससे की वजह से विच अकाउंट फॉर देयर वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, इसलिए इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। इंडिकेशन ओवर द काउंटर ड्रग जो है OTC, किसके लिए, फीवर, हेडेक, मस्कुलोस्केलेटल पेन, डिसमेनोरिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस में अपन इसको दे सकते हैं। एडल्ट्स में 325-1000 mg तक दे सकते हो, जबकि बच्चों के अंदर केवल 10-15 mg पर kg के हिसाब से ही दी जाती है, और प्रेगनेंसी के लिए भी ये दवाई सेफ मानी जाती है। रेक्टली अगर आप इसको दे रहे हो तो 650 mg आप इसको दे सकते हो। ये पैरास्टामोल एक सेफ और वेल टॉलरेटेड ड्रग है, पर फिर भी इसके अगर ओवरडोज हो जाए तो कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे लिवर और किडनी डैमेज ये कॉज कर देती है। लिवर डैमेज इसका सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है भाई, आप याद कर लीजिए। इसके अलावा किडनी को भी डैमेज करती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर देती है, म्यूकोस
म्यूकोसल इरोशन, म्यूकस में डैमेज कर रही है, ख़राब हो जाता है म्यूकस की लाइनिंग आपकी बॉडी की, ब्लीडिंग कॉज कर देती है, रैशेज हो जाते हैं अगर ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया तो आपने, नोज़िया, वॉमिटिंग और स्वेटिंग कॉज होने लग जाती है। स्वेटिंग तो आप जानते हैं, पैरास्टामॉल आप दवाई लो बुखार में तो तुरंत पसीना आएगा, बुखार ठीक हो जाएगी, तो स्वेटिंग ये कॉज करती है, ज़्यादा होने लग जाए तो नुकसान करेगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना चाहिए, पेप्टिक अल्सर में, और जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उनमें नहीं देना चाहिए। तीसरी नेमेसोलाइड, जो कि काफ़ी ख़तरनाक ड्रग है और बैन है, ये कई देशों में ये बैंड है, इंडिया के अंदर तो धड़ल्ले से बिकती रहती है भाई, क्योंकि ज़्यादा सिस्टम तो यहाँ कुछ चल नहीं रहा, कंट्रोल कुछ है नहीं। हालांकि नेमेसोलाइड भी बैन अपने यहाँ पर भी है, पर बिक रही हैं खुलेआम। तो नेमेसोलाइड भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक ड्रग है, सेलेक्टिवली कॉक्स टू को इनहिबिट करती है, पर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये वीकली इनहिबिट करती है। शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन किसी को हुई हो, स्पॉट से इंजरी हुई हो तो उसमें देते हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस, नाक का साइनस का इन्फ्लामेशन होता है, डेंटल सर्जरी किसी ने करवाई हो, बर्साइटिस, फीवर, लो बैक एक किसी को हो रहा हो, डिसमेनोरिया में दे सकते हो, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में दे सकते हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दे सकते हो। 100 mg की BD दी जाती है, इसकी डोज ऐसी है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर जो है बहुत सारे ड्रग्स के साथ डिसमेनोरिया आपको पढ़ाया है, और अधिकतर डिजीज़ देखो मैंने आपको, क्योंकि अपनी जनरल फार्माकोलॉजी की क्लास जो मैं आपकी क्लास में लेना चाहती थी वो हुई नहीं है, मैं एक पॉइंट आपको बोल दूं कि हमें ये जितनी भी एलोपैथिक ड्रग्स होती है जितना हो सके हमें इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितने इसके फ़ायदे और बताए गए हैं उतने फ़ायदे इसके होते नहीं, और जितने इसके नुकसान बताए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान ये कॉज कर देती हैं। तो इसलिए जितना हो सके हमारे को इन मेडिसिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं है अभी तक। जैसे डिसमेनोरिया के अंदर मैंने आपको बहुत सारी ड्रग्स बताई, पर डिसमेनोरिया में मैंने ड्रग्स बताई इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेरी इन ड्रग्स को सुना और आप उनको प्रेस्क्राइब करने लग जाएं, या जो गर्ल्स हैं वो उनको लेना स्टार्ट कर दें कि हाँ हमें भी डिसमेनोरिया हो रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। नहीं, आपको ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए भाई, मेरी ये चीज़ें सुनकर के आप ये दवाइयाँ लेनी कभी ना स्टार्ट कर दें। मैं क्लास में अगर पढ़ाती तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताती कि दवाइयों से दूर रहना चाहिए। डिसमेनोरिया में अगर आप बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए ये ड्रग्स ले रहे हैं तो ये एमेनोरिया कॉज कर देती हैं, जिसमें मेंसेस बंद हो जाएंगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए कि खाली यहाँ पर कुछ वर्ड सुन करके आप इस तरह के चीज़ें करनी स्टार्ट कर दें, तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी इन क्लासेस का आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़े, तो मैं आपको इसी क्लास के अंदर बता दूँ कि बहुत जगह ये डिसमेनोरिया वर्ड आ गया, तो गर्ल्स को इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली क्या बल्कि यूज़ नहीं ही करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कहा हो कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर लेने का तो ही आप लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। इस नेमेसोलाइड के एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं भाई? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन पे एपिगैस्ट्रेलजिया ये कॉज कर देता है, पेट दर्द हो जाएगा, हार्ट बर्न हो जाएगा, नोसिया होने लग जाएगा, लूज मोशंस लगने लग जाएंगे। डर्मेटोलॉजिकल में ये रैशेस और प्रूराइटिस यानी खुजली कॉज कर देगा। सेंट्रल में ये सोमोनोलेसेंस और डिजीनेस कॉज करने लग जाता है, नींद आने लग जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, हिपैटिक फेलियर कॉज हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन लिवर टॉक्सिटी किसी को है, हिपैटिक फेलियर है तो इसका लंबे समय से यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी नहीं देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली माँ को भी नहीं देनी चाहिए, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है आइब्यूप्रोफेन, ये भी कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को सप्रेस कर देती है, पेन जिससे कि क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस जैसे ही सप्रेस होगा तो पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर में राहत मिलेगी। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी इनहिबिट करती है, जो कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाता है और ब्लड क्लॉट बनाता है। OTC अपन दे सकते हैं फीवर में, डिसमेनोरिया में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, OARA, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, हेडेक, बैकएक, टूथएक, दांत में दर्द है तो भी दे सकते हैं, मतलब सभी तरह के दर्द में आइब्यूपैरा अपन दे सकते हैं या आइब्यूप्रोफेन अपन दे सकते हैं। पोस्टपार्टम पोस्ट ऑपरेटिव
डिलीवरी के बाद दे सकते हो, किसी तरह का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दे सकते हो। 400 से 800 mg इसकी TDS दी जाती है, जबकि बच्चों में 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप दे सकते हो, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देनी है। एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ये कॉज कर देती है, ज़्यादा ले लो नोज़िया वॉमिटिंग कॉज हो जाती है, गैस्ट्रिक इरोजन हो जाता है और ऑकल्ट ब्लड लॉस होने लगता है स्टूल वगैरह के अंदर, जो आपको दिखाई नहीं देगा पर ब्लड लॉस हो रहा है स्टूल में। पढ़ा था ना अपन ने पैथो की क्लास के अंदर, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा डिजीनेस होता है, ब्लड विजन हो जाता है, कानों में घंटियाँ सुनाई देने लगती है, रैशेज रहने लगेंगे, खुजली मचने लगेगी और कई और एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई देंगी। ये भी पेप्टिक अल्सर में नहीं देनी चाहिए, प्रेगनेंसी लैक्टेशन के समय नहीं देनी चाहिए, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए और हाइपर सेंसिटिविटी किसी को है तो नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक रही है क्योंकि कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन को भी ये रोकती है, थोड़ा बहुत कॉक्स टू सेलेक्टिव इनहिबिशन भी ये कर देती है, बेटर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसका इसी वजह से दिखाई देता है। ये पोटेंट एनाल्जेसिक है, दर्द को भी कम करती है, माइल्ड से मॉडरेट पेन को ये ठीक कर देती है, क्विक रिलीफ देती है ये पेन में, पेन को अगर तुरंत ठीक करना है, एडिमा को ठीक करना है, दांत दर्द को ठीक करना है तो डाइक्लोफेनिक दी जाती है, RAOA दोनों में दी जाती है डाइक्लोफेनिक, डिसमेनोरिया मेंस्ट्रुअल पेन, बर्साइटिस शोल्डर हिप एल्बो के अंदर पेन में भी अपन इसको दे सकते हैं। अचानक कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंधे में दर्द होने लग जाता है चलते चलते, मतलब ये जॉइंट्स का जो पेन है, अलग अलग जॉइंट्स का पेन, उसमें अपन ये दे सकते हैं। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस किसी को हुआ, यानी वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन हुआ हो तो अपन ये दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन हुआ हो और इन्फ्लामेशन साथ में हो तो डाइक्लोफेनिक दी जाती है, डाइक्लोफेनिक तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा दी जा रही होती है। ऑक्यूलर इन्फ्लामेशन और पेन, आँख में दर्द हो रहा हो, सूजन आई हो तो दे सकते हैं। 50 mg TDS दी जाती है और IM डीप IM देना है तो 75 mg आप इसकी दे सकते हो डाइक्लोफेनिक की। एडवर्स इफ़ेक्ट सुनिए, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोज़िया हेडेक डिजीनेस रहने लगता है इसकी वजह से, रैशेज हो जाते हैं, गैस्ट्रिक में अल्सरेशन होता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, हिपैटिक और रीनल डैमेज भी ये कॉज करती है। पेप्टिक अल्सर में नहीं देना चाहिए, साथ साथ छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, किडनी डिजीज़ लीवर डिजीज़ किसी को हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर किसी पेशेंट को हो तो नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एक्लोफेनिक बताई गई है जो सेम फंक्शन रख रही होती है, थोड़े बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पर टॉलरेबिलिटी बेटर होती है, 100 mg BD में आप दे सकते हो। पर आपको मैं डाइक्लोफेनिक के बारे में बता दूं भाई, इसका एक्सक्रीशन नहीं होता, ये बॉडी में स्टोर होती है आजकल डाइक्लोफेनिक की वजह से, क्योंकि बॉडी टिश्यू में स्टोर हो जाती है, तो अगर ऐसे क्यों ये हमारी बॉडी टिश्यूज़ वगैरह के अंदर हार्ड सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्टोर रहती है, लंबे लंबे समय तक निकलती है ही नहीं। तो एक कंडीशन इसके साथ जुड़ी हुई आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ डेड बॉडीज़ जो यूं ही फेंक दी जाती है, जो लवारिस लाशें होती हैं फेंक दी जाती है, उनको अगर चील गिद्ध कौवे ये वल्चर्स वगैरह जब खा रहे होते हैं तो इस डाइक्लोफेनिक का इतना साइड इफ़ेक्ट है, आप सोचिए कि एक हमारी बॉडी टिश्यूज़ में स्टोर हो रही होती है, तो ये ना केवल हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होती है बल्कि ये दूसरे जो वल्चर्स उन डेड बॉडीज़ को खा रहे होते हैं उनके फैदर्स में, उनके विंग्स के अंदर ये स्टोर हो जाती है, तो वो बेचारे वल्चर्स उड़ नहीं पाते हैं उसकी वजह से, इतना इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि खाली दर्द, जब भी हल्का सा भी दर्द हुआ और आप लेकर के बैठ गए, नहीं, इतनी नहीं लेनी है आपको दर्द के अंदर इन टैबलेट्स को, बहुत अर्जेंसी हो तो आप लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। अब बाकी नेसेट्स के बारे में बताया गया, जैसे किटोरोल लैग पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इन्फ्लामेशन में दे सकते हो, डोज आप लोग खुद पढ़ते रहिएगा, IMIV दे सकते हो, इंडोमेथासिन गाउट में, RA में और वर्टिब्रा के पेन में दे सकते हो, नेप्रोक्सिम RA में और वर्टिब्रल पे इनमें, पायरोक्सिकैम OA RA और स्पॉन्डिलाइटिस तीनों में, मेफेनामिक एसिड मसल का पेन, जॉइंट का और टिश्यू का पेन हो रहा हो, डिसमेनोरिया हो रहा हो, RAOA में दे सकते हो, TDS दी जाती है। सेलेक्सिब जो है वो ये सेलेक्टिव नाम से बस चल रहा है, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखता है, ऐसा ही इटोरिकॉक्सिब भी है, उसकी भी यही खासियत है। इसके साथ आपका ये नेसेड का टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेसेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछाता है, इसलिए इसको रट्टा मार लीजिए टॉपिक को अच्छे से।
थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।